ओके गाइस, तो हल्दी तक आप लोगों ने देख लिया है, रुचि की स्टोरी पे नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। आगे मैं पूजा की ब्लॉग लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, पूरा देखिएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट मंगवाया है जिसको मैं यूज कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर दूँ। तो ये मैंने मंगवाया है, देख सकते हैं, मार्स ब्रांड का है जो कि बाई GHC का है, गुड हेल्थ कंपनी, जो कि बहुत अच्छा है। इनकी काफी सारी प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, हेयर का और वेट लॉस, स्किन, यहाँ पे देख सकते हैं काफी इसकी प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको। और ये बहुत अच्छा पैकेज, काफी अच्छी है इसकी। मैंने मंगवाया यहाँ पे फेस सीरम जो कि ग्लोइंग फेस सीरम है और बहुत अच्छा है, अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आया है मेरे पास, एक दो यहाँ पे पैम्पलेट्स भी आया है जिसमें इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आया है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो यहाँ पे आगे मेंशन है, अभी मैं आपको बता दूंगी। और सबसे अच्छी बात है कि इसको आप बॉय एंड गर्ल्स ऑल्सो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा सीरम है। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा ये मैं अभी आपको बता दूंगी। इसकी MRP की बात करें तो 499 रुपीज का है, जो कि बहुत अच्छा है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो इसमें विटामिन सी है जो कि बहुत अच्छा होता है इसमें, क्योंकि समझ सकते हैं हमारी स्किन के लिए विटामिन सी कितना अच्छा होता है। मुल्तानी मिट्टी है, कोको बटर है जो कि बहुत बहुत अच्छा है, तो टर्मरिक है इसमें, हल्दी है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पे लिखा भी है ग्लो स्किन सीरम, तो रियली में गाइस ये ग्लोइंग स्किन सीरम है जो कि बहुत अच्छा है। इसको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है अच्छे से, किसी भी फेस वॉश से कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी दिखा रखा है इनकी पैकेजिंग पे। और अंदर की पैकेजिंग की बात करें तो सेम जैसा आपके बाहर का पैकेजिंग है सेम वैसा ही है। आपकी स्किन जो कहते हैं ना सन से ड्राई स्किन, सन वो हो जाता है, सन से डैमेज हो जाता है, जैसे कहीं कहीं पे काले काले धब्बे हो जाते हैं वो इससे रिमूव हो जाता है, पिंपल्स के जो दाग होते हैं वो भी रिमूव हो जाता है और आपकी स्किन बहुत हेल्दी एंड ग्लोइंग लगता है। तो अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, सिंपल आपको कोई भी फेस वॉश से आपको फेस अपना क्लीन कर लेना है अच्छे से, टॉवल से पोंछ के, जब सोख हो जाए आपका फेस पे पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, फिर आप इसके 4-5 ड्रॉप लेके अपने फेस पे अप्लाई करें। तो कुछ इस तरीके का सीरम है। बात करें इसकी फ्रेग्रेंस का, तो फ्रेग्रेंस काफी अच्छा है, ऐसा नहीं कि अजीब सा फ्रेग्रेंस हो। तो ये सीरम की बात देख सकते हैं, सीरम बहुत अच्छा है और देखने में इस कुछ इस तरीके का है। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा दे रही हूँ, ये देखिए इसके 5-6 ड्रॉप आप लेके अपने फेस पे अप्लाई करें, आई जो डार्क सर्कल्स वगैरह हो जाते हैं ये रिमूव हो जाता है, आपकी स्किन बहुत, आप इसको यूज करें आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जरूर विजिट करिए। तो इसको मैं यूज करती हूँ, सबसे अच्छी बात मुझे इसकी पता क्या लगी, इसमें जो चोको बटर है ना बहुत अमेजिंग वर्क करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज बना के रखता है, आपकी स्किन ग्लोइंग रखता है। तो समझ सकते हैं कितनी इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी है, तो आप जरूर इसको परचेज करें। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और एक इंसान के लिए मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो काफ़ी मुझे लगता है ये मुझे 3 महीने तक इजिली मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो ले सकते हैं, लिंक आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो रही है शाम की पूजा की तैयारी, हालाँकि जो बिहार साइड से होंगे उनको पता होगा शादी से एक दिन पहले घिढारी मटकोर होता है, बट यहाँ पे ये सत्यनारायण भगवान का ही पूजा उसमें भी किया जाता है, लेकिन रात के टाइम पे होता है जब मटकोर करने जाते हैं उस टाइम पे पूजा होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हाँ ये है कि पूजा करवा रहे हैं शादी से पहले। गाइस नॉइस को इग्नोर करिएगा, बाबू थोड़ा सा बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूजा हालांकि शाम को होना चाहिए बट यहाँ पे उतना कुछ कर नहीं रहे हैं, ये मटकोर वगैरह पनगट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी बोल सकते हैं कि हाँ पूजा करवाना है शादी से पहले, तो बस वही हो रहा है। और बस यहाँ पे आज मैं और मनीष जी पूजा पे बैठने वाले हैं बिकॉज कि हमने खाना नहीं खाया है। और ये साड़ी जो देख रहे हैं ये मेरी मम्मी के यहाँ से आया है, ये साड़ी मैं किसी और चीज़ के लिए तैयार करवाई थी, लेकिन कहते हैं ना पूजा पे बैठने से पहले नई साड़ी पहननी थी, इस वजह से मैंने फिर यही साड़ी पहन ली है। और अब नेक्स्ट टाइम के लिए जिस चीज़ के लिए मैंने ये साड़ी तैयार करवाई थी वो उस टाइम पे मैं दूसरी साड़ी तैयार करवा लूँगी, वो भी मम्मी देगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूजा की तैयारी हो रही है और उधर बैठे हुए हैं दूल्हे राजा जी, इनकी शादी होने वाली है, शादी हो चुकी है। और ये ब्लॉग काफ़ी लेट जा रहा है क्योंकि एडिट नहीं हो पाया था, थोड़े से काम में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में अभी कुछ चल रहा है। यहाँ पे प्रसाद की तैयारी हो रही है, प्रसाद सेम एज इट इज़ ही बनता है, प्रसाद बिल्कुल सेम बना है, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक ने पूछे थे कि बिहार से आप कहाँ से हो, तो मैं वैशाली ज़िले से हूँ लेकिन मैं बिहार में नहीं रहती हूँ, बिहार में कभी कभी जाती हूँ, मेरे सारे रिलेटिव वगैरह सारे बिहार में ही हैं, बट यहाँ पर हम लोग रहते हैं, ससुराल मेरा हरियाणा में है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं पंडित जी अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, पूजा में काफ़ी टाइम लग गया था और होता भी है, टाइम काफ़ी लग जाता है जब पूजा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी रस्म होती है, मतलब घिढारी वाले दिन घी ढरता है, सब कुछ होता है, लेकिन बस हो रहा है यहाँ पे जैसे हो रहा है, ठीक है।
क्योंकि ना तो यहाँ पे लोग हैं और ना कोई बताने वाले ना कोई करने वाले, तो ठीक है जैसा हो रहा है ठीक है। तो बस यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुका है, हम लोग बैठ गए हैं, बहुत टाइम लगा था और मेरे पैर में इतनी दर्द हो गई थी बैठे बैठे। तो दो तीन आंटियाँ भी आई हुई है, तो वो सब मतलब थोड़ी देर बैठी हैं, कुछ चली गई कुछ रुकी थी, बिकॉज ज़्यादा टाइम लग गया था पूजा में इसीलिए। नवग्रहादि देवताभ्यो नमः भोजनम षोडशमातृकाभ्यां भोजनम करेशाभ्यां गणेशगौरीभ्यां भोजनम तुलसीभ्यां सत्यनारायणं प्रतिभां महाम। ये घी को जो है अपने तरफ पकड़िए, यहाँ से थोड़ी थोड़ी पकड़ो नीचे, सत्यनारायणं प्रतिभां महाम। ये घी को जो है अपने तरफ पकड़िए, यहाँ से थोड़ी थोड़ी पकड़ो नीचे से पकड़ो, अरे यहाँ पकड़ो आप ये नीचे डालो, ऐसे अपने तरफ कटोरी करना है, ऐसे करना है ऐसे जैसे ऐसे, पकड़े हाँ, हाँ, नीचे नीचे झुको और नीचे झुको, हाँ डालो थोड़ी थोड़ी ऊपर उठाते जाओ, ये ऊंचा करो करो करो, हाय चलिए रख दीजिए पीछे आओ यहाँ पे पूजा हो चुका है, काफ़ी टाइम लग गया था और उसके बाद सब कलावा बंधवा रहे हैं, मैंने बंधवा लिया है और अभी प्रसाद भी खाऊंगी, बहुत तेज़ मतलब भूख तो लगी जाती है ना, काफ़ी देर हो गया इधर किट्टू बैठा हुआ, किट्टू बहुत परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, बच्चे करते ही हैं क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके भी बच्चे आए नहीं हैं, वो अपनी दादी के यहाँ हैं तो इस वजह से ज़्यादा ही वो होती है परेशानी। बाबू कुछ कुछ बोल रहा है तो, और ये वाली साड़ी कैसी लग रही है, और मतलब दो तीन ब्लॉग में आप लोगों ने सेम देख लिया क्योंकि एक ही दिन का ये ब्लॉग है और मैं इकट्ठा अगर डाल देती तो फिर आप लोग नहीं देख पाते इसीलिए। तो यहाँ पे कलावा कहते हैं, खाली हाथ नहीं बंधवाया जाता है कि कुछ ना कुछ देना होता है पंडित जी को, सो ऐसे ही हमने दे दिए। तो ये देख सकते हैं पूजा हो मतलब हो गया फाइनली, अब आरती हो रही है और बस चम्मच कहीं नहीं कितना निकला है मां? बहुत ज्यादा मिल गया मुझे तो, कितना पैसा है? 1 रुपया ₹1 वो खोली है ना हमारा, देख बाहर क्या वो ये गांठ, किट्टू इधर आओ जल्दी टीका लगवाओ, 1 रुपया मिला है टीका लगवाओ, चलो हम भी लगाते हैं, अरे ये बहुत शैतान बच्चा है पंडित जी, ये ले कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः, लगा लो हेमा लाला लगवाइए, हाँ वही तो कम से कम 11 रुपए होता है, ओके गाइस। तो यहाँ पे पूजा हो गया है, उसके बाद हम लोग प्रसाद खा रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया, 6:30 का टाइम हो रहा है, सुबह से सिर्फ मैंने 1 कप चाय पिया था डेट्स इट और कुछ भी नहीं लिया है। तो बस यहाँ पे प्रसाद खा लेते हैं और ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।